हेलो एवरीवन, वेलकम इन एनवायरमेंटल स्टडीज़ क्लास चैप्टर नंबर 18, अ हाउस लाइक दिस। आपने वैसे तो बहुत सारी हाउस देखे हैं, लेकिन ये हाउस भी, इस तरह के हाउस आपके डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में होते हैं। जैसे हम एक स्टोरी बता रहे हैं स्कूल एक्टिविटी की, बच्चे स्कूल में एक्टिविटी कर रहे हैं, अलग अलग स्कूलों से, अलग अलग प्लेस से बच्चे भूपेन के स्कूल में आए हुए हैं, जो कि बहुत बड़ा है। वहाँ पे रैलियाँ निकाली जाती हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के सेलेक्टेड स्कूल के बच्चे वहाँ पर प्रोग्राम करने आते हैं। ये प्रोग्राम ऐसा होता है कि जो अपने कल्चरल एक्टिविटीज शो करते हैं, वहाँ पे किस तरह वर्क होता है, घर किस तरह बने होते हैं, वो सारे डिस्क्राइब करके उसका वर्णन करते हैं। फ्लोर प्रोन एरिया, फ्लूड प्रोन एरिया, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र। कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर वर्षा इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ बाढ़ आ जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, वो ऐसा एरिया कौन सा है? आसाम, बिहार। आसाम में फ्लूड प्रोन एरिया होने के कारण, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होने के कारण, वहाँ के जो घर होते हैं, हाउस मेड 10 to 15 feet अबव फ्रॉम ग्राउंड, तो ज़मीन से इतनी ऊंचाई पर बनते हैं जिससे वो सुरक्षित रह सके और बाढ़ उनको, उनके घरों को नुकसान ना पहुंचा सके। एंड बम्बू पिलर्स सपोर्ट देयर हाउस। जो बम्बू पिलर, मजबूत बम्बू पिलर होते हैं, वो उनके हाउस को बहुत सपोर्ट करते हैं। देखेंगे कि इस तरह के घर, सपोज दिस इज द हाउस, ओके। अब इस घर के नीचे 10 to 15 feet अबव फ्रॉम द ग्राउंड बम्बू पिलर लगे होते हैं। ये बम्बू पिलर बहुत स्ट्रांग होते हैं जिससे उनके घर को सुरक्षा प्राप्त होती है। दिस इज द बम्बू पिलर। ऐसे घरों को बनाने के लिए सबसे पहले बम्बू पिलर की आवश्यकता होती है, इसके बाद ये घर बनाते हैं। दिस इज द बम्बू पिलर। आपको बम्बू पिलर अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, ओके। अब आपके कुछ एरिया ऐसे आते हैं जो ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, और एक और एरिया है हिली एरियाज। कुछ ऐसे एरिया होते हैं जो पहाड़ों पे घर बनाते हैं, तो पहाड़ों पे घर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे वो, उनकी छत कैसी होगी? नेक्स्ट इज द हिली एरिया। हिली एरिया कौन कौन से हिली एरिया है? हिमाचल प्रदेश में बर्फ़ पड़ती है, तो वहाँ पे घर स्लोपिंग रूफ बनाए जाते हैं। ये घर पत्थर, स्टोन होते हैं, इस पे लगे हुए स्टोन्स और ऊड होती है, ऐसे घर बनाए जाते हैं। स्टोन, वुड एंड स्लोपिंग रूफ। स्लोपिंग रूफ होती है ढलान वाली छत, जो इनके घर को बर्फ से बचाती है,
तो हिमाचल प्रदेश में देयर हाउस रूफ वाज देयर हाउस रूफ्स आर स्लोपिंग स्लोपिंग सो इट प्रोटेक्ट फ्रॉम आइस फॉल। तो जो बर्फ गिरता है उससे ये स्लोपिंग रूफ सुरक्षित करती है आपके घरों की। तो ये आपका है हिली एरिया, इसमें किस तरह से घर बनते हैं, और फ्लूड प्रोन एरिया में घर किस तरह से बनते हैं। How are the houses made in cold areas different from those made in hot areas? Cold area में जो घर बने होते हैं वो hot area में बने हुए घर से बिल्कुल different होते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया कि hilly areas house roofs are sloping and it protect houses from ice fall या snowfall कर दो snowfall। ओके, तो हिली एरिया जैसे मनाली रीजन हो गया, तो यहाँ पे आपको घर किस तरह मिलेंगे, ढलान जैसे, उनकी छतें कैसी होंगी, ढलान होंगी, जिससे जो बर्फ़ है वो आसानी से गिर सके। यहाँ तक कि आप हिली एरियाज़ में या कोल्ड एरियाज़ में जो प्लांट देखेंगे वो भी स्लोपिंग होगा, जैसे मैंने बताया आपको, जिससे बर्फ़ आराम से लीफ से होते हुए नीचे गिर जाए और उससे आपकी लीफ सुरक्षित रहे और पूरा वृक्ष सुरक्षित रहे। तो आपको स्लोपिंग एरिया, स्लोपिंग रूफ हिली एरियाज में दिखते हैं, और कोल्ड एरिया इन हॉट एरियाज पीपल मेड मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग। अच्छा, हॉट एरिया का बता दें, जैसे राजस्थान का कुछ बता देते हैं आपको। देखो, इन हॉट एरियाज हम देख लेते हैं, हॉट एरियाज को जैसे राजस्थान का ले लीजिए, ठीक है, राजस्थान का। तो राजस्थान में जो घर बने होते हैं वो मड के बने होते हैं, ठीक है, और उसकी जो छत होती है वो भी ग्रास, लीफ, ट्विक्स, इन सब से बनी होती है। जो आपके ये होम है किसके बने होंगे, मड से। अब ये क्या करता है, हॉट एरिया में मड अंदर से बहुत ठंडा होता है, अपने अंदर जो उसकी कूलनेस है उसे प्रोटेक्ट रखता है और बाहर की गर्मी को अंदर नहीं आने देता है। तब वहाँ के लोग इस घर में रह करके अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स फील कर सकते हैं। तो हॉट एरिया में घर मड के बने होंगे और जो ऊपर की छत होगी वो ट्विक्स, ग्रासेस ऐसे लगे होंगे। राजस्थान एरिया houses made on hut like use muds twigs grasses which protect hot and cold inside। अब ये जो बाहर की गर्मी है उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा और अपने अंदर ठंड
ठंडक बनाए रखेगा। इसलिए जो हॉट एरियाज़ हैं जैसे राजस्थान, वहाँ पे घर किसके बने होंगे, मड के बने होंगे। छत कैसी रहेगी, उस पर ट्विग्स रहेगी, ग्रासेस रहेंगे, सूखी पत्तियाँ रहेंगी, जिससे वो सुरक्षित रहे और ठंडा भी फील कराए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट इज़ द लेट्स स्टार्ट द सम रीजन इग्लू आर डोम सेप। इग्लू डोम सेप भी क्यों होती है, उसका और अलग सेप क्यों नहीं हो सकता। इग्लू डोम सेप्ड होती है जिससे आपको पता है हिमाचल प्रदेश में आपको बर्फीले जानवर मिलते हैं। वो बर्फीले जानवर अपने आप को सुरक्षित रहने के लिए इग्लू जैसे घर बनाते हैं। इग्लू और डोम सेप, इग्लू डोम सेप्ड होता है, इस तरह का आप रहा गुंबद की तरह आकार आपको दिख रहा है, ये है डोम सेप्ड। डोम सेप्ड क्यों होता है, क्योंकि जो बर्फीले जानवर होते हैं, बर्फ में रहने वाले जो मनुष्य होते हैं, उनको एस्किमो बोलते हैं, है ना। अब वो इस घर में इस तरह से डोम सेप जो घर बनाते हैं, बाहर बहुत कोल्ड है, बाहर क्या है, बहुत ठंडी है। अब अपने आप को सुरक्षित उनको रखना है तो कैसे रखेंगे, कि अगर ये डोम सेप बना लेते हैं तो जो अंदर की गर्मी प्रोड्यूस होती है, रिलीज़ होती है, हॉट हीट रिलीज़ होती है, वो बाहर नहीं जा पाती है, बाहर नहीं जा पाती, ठीक है। अब वो हीट बाहर नहीं जाए, वो अंदर ही रहेगी। अब ये डोम सेप जो इग्लू है वो अपने आप को हॉट बनाए रखता है, जिससे उसमें रहने वाले जानवर मनुष्य सुरक्षित होकर गर्मी का फीलिंग करते हैं। तो इग्लू और डोम सेप इट इज कोल्ड रेजिस्टेंस टेंस ड्यू टू देयर सेप। इनका सेप जिस तरह से है वो ठंडी से ठंडी को प्रतिरोध कर देते हैं, ठीक है, ड्यू टू देयर डोम सेप्ड। अब इनका जो डोम सेप्ड है सेव एंड रिलीज हीट फ्रॉम इनसाइड एनिमल। एस्किमो ऑल्सो लिव इनसाइड द डोम सेप्ड इग्लू, ओके। द नेक्स्ट इज द इग्लू आर वार्म फ्रॉम इनसाइड। हाँ, इग्लू अंदर से बहुत गर्म होती है, क्यों, बिकॉज इट इज कोल्ड रेजिस्टेंस एंड प्रोटेक्ट हीट इनसाइड एंड सेव एनिमल्स एंड स्कीमो हु लिव्स इन कोल्ड एरियाज। वो कोल्ड एरियाज़ में रहते हैं तो उनको इसी के कारण, क्योंकि वो अंदर से गर्म होती है, कोल्ड रेजिस्टेंस होती है ड्यू टू हिज डोम सेप्ड स्ट्रक्चर। और ये एनिमल्स को जो एस्किमो है उनको बचाती है कोल्ड से। हाउसेज आर अर्थक्वेक प्रोन एरियाज। पहले जानेंगे हम कि भूकंप प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। आर मेड ऑफ वुड, उनके घर लकड़ियों के बने होते हैं, क्यों, ये अर्थ प्रोन एरियाज हैं, भूकंप प्रभावित क्षेत्र। ये कौन होते हैं, भूकंप प्रभावित क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां अक्सर भूकंप आता रहता है, जैसे इन जापान एरिया, ठीक है, इन जापान एरिया
house made of wood to save repairing and make their house again and again. Listen again. House made of wood to save repairing and make their house again and again. अब ये क्या होगा कि जब जापान एरिया में भूकंप आएगा, क्योंकि बार बार भूकंप आता है, अगर हम वहाँ पे घर सीमेंटेड बना देते हैं तो जितनी बार भूकंप आएगा उतनी बार हमको पूरी तरह से रिपेयरिंग करानी पड़ेगी. रिपेयरिंग का मतलब हमें फिर से नया सीमेंट लेना होगा, ब्रिक्स लेनी पड़ेगी, आयरन रॉड, सब कुछ लेना पड़ेगा. लेकिन जब आप तो ये आप लोग को रिपेयरिंग से बचा रहा है. अब क्या करेगा कि हम घर बार बार बना सकते हैं. अगर लकड़ियाँ बहुत तेज भूकंप आता है, लकड़ी गिर भी जाती है, फिर से उसको हम सही करके और अपना घर फिर से बना लेंगे, फिर गिरेगी फिर से बना लेंगे. तो प्रोन जो आपके अर्थक्वेक प्रोन एरियाज हैं वहाँ के घर कैसे होंगे, ऊंट के बने हुए होंगे. अगर ऊंट के बने होंगे तो जितनी बार गिरेगी उतनी बार हम हल्का सा रिपेयर कर दिए, बन गया, हमको फिर से नया सीमेंट, ब्रिक्स, आयरन रॉड, ग्लासेस ये सब लाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी. सो इन द अर्थक्वेक रीजन हाउस इज मेड ऑफ ऊंट. अंडरस्टैंड? सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज. हाउसेज इन हिली एरियाज हैव. अब हिली एरियाज के छत कैसे होगी, रूफ कैसी होगी उनकी, स्लोपिंग रूफ होगी, कि छतें ढलान वाली होंगी जिससे बर्फ आराम से नीचे गिर सके. डॉट डॉट इज अ टेम्प्रोरी हाउस यूज्ड बाय ट्रैवलर्स, जो सफ़र करते हैं लंबी जर्नी का बस से, और सोल्जर्स जो लड़ाई करते हैं वो घर किस तरह से बनाते होंगे. तो इज अ टेम्प्रोरी हाउस यूज्ड बाय ट्रैवलर एंड सोल्जर्स टेंट. वो क्या बनाते हैं, टेंट. मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग आर मोस्टली सीन इन. कैसी एरिया में आप मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग देखते हैं, आप देखते हैं सिटीज में. ओके, वी फाइंड हाउस बोट इन. आप हाउस बोट कहाँ देख सकते हो, क्या आपके घर के पास हाउस बोट दिखता है, जहाँ लेक होगा वहाँ पे आपको हाउस बोट दिख जाएगा. तो लेक कहाँ है, कश्मीर, डल लेक. तो आपको लेक में हाउस बोट दिखता है. अ हाउस ऑफ स्नो इज कॉल्ड एन, जो बर्फ पे घर बने होते हैं उनको क्या कहते हैं, कॉल्ड एन इग्लू. उनको हम इग्लू कहते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द ट्रू एंड फॉल्स. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस. अलग प्रकार के घर होते हैं, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. इग्लू इज अ काइंड ऑफ हाउस दैट कैन फ्लोट ऑन वाटर. तो क्या इग्लू वाटर पे तैरता है, नो. तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नेक्स्ट, शेल्टर इज अ मेजर प्रॉब्लम इन बिग सिटीज. बड़े शहरों में रहने के लिए बड़ी असुविधा होती है. तो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट. डिफरेंट थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ हाउस सच एज ब्रिक, सीमेंट, स्टील एंड रॉड. वुड जरूरत होती है हमें. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. हाउसेस इन हिली एरियाज हैव राउंड रूफ. दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. कैसी रूफ होती है, स्लोपिंग रूफ होती है. ठीक है, स्लोपिंग रूफ होती है. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ बुक.